बहुत दूर के एक देश में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था केवलहाटी। उस गांव में रहता था एक इंसान जिसका नाम था कानाई। कानाई बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके पीठ पे एक बहुत बड़ा कुबड़ था, इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता था। पर कानाई दिल से बहुत अच्छा इंसान था, वो सबके लिए भला ही करता था। ऐसे ही जब एक दिन वो गांव से गुजर रहा था, ओ कानाई, इतना बनठन कर किधर जा रहे हो? घर जा रहा हूँ रघु काका, थोड़ा घर में कुछ काम पड़ा है। तो ठीक है ठीक है, तो खबर मिली तुम्हें? कैसी खबर? अरे वैद्य जी का हाल तो बहुत खराब है, उनकी जीने की उम्मीद भी बहुत कम है। अच्छा, तब तो हमें जल्दी ही पास के गांव से किसी वैद्य को बुलाना पड़ेगा। हाँ वो तो सही है, पर बुलाएगा कौन? सब तो अपने अपने काम में व्यस्त है। हाँ ये बात तो है, सबके सब बहुत व्यस्त है। ठीक है, फिर मैं ही जाके वैद्य जी को बुला के ले आता हूँ। जाओ तो फिर तुम ही जाओ, तुम्हारा तो वैसे भी कोई काम नहीं है। जाओ जाओ और देर मत करो, जाओ। ठीक है, चलता हूँ। ऐसे ही कानाई दिन प्रतिदिन सभी का भला करता था, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांगता था। पर फिर भी कोई उसे पसंद नहीं करता था, प्यार की दो बातें भी नहीं करता था, उल्टा उसके पीठ के कुबड़ को लेकर सभी उसका मजाक उड़ाते थे। इससे वो बहुत दुखी होता था। देख देख, कुबड़ा कनाई बैठा है, चल चल उसको थोड़ा परेशान करते हैं। हाँ हाँ चल चल। अरे हरी, ओहो कमलेश भी है साथ में। बोलो बोलो, कैसे हो तुम लोग? अरे ठीक हूँ ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक ही हूँ। इस वक्त यहाँ बैठकर आप क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं, क्या सोचूंगा। अच्छा कन्हैया भैया, मैं हर बार आपको कुछ पूछना चाहता हूँ और बार बार भूल जाता हूँ, कुछ पूछूं मैं आपको? क्या पूछना चाहते हो, पूछो पूछो। अच्छा तो कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं और आप नहीं? बोलो 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 कन्हैया भैया। तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। क्या काम हो सकता है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। आपको इतना भी नहीं पता, पीठ के बल सोना, जो हम कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। बेचारा कुबड़ा कनाई सीधा होके नहीं सो सकता है। हम चलते हैं कुबड़ा कनाई, तुम कोशिश करके देखना पीठ के बल सो सकते हो या नहीं। कुबड़ा कनाई कुबड़ा कनाई, ये कैसी है सजा? सीधा नहीं सो सकता क्योंकि इसकी पीठ पर है बड़ा बोझा। भगवान, मैंने क्या पाप किया है जो आपने मुझे ऐसी सजा दी? मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मजाक उड़ाते रहते हैं। क्या ऐसे ही पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी मुझे? कुबड़ा कानाई ऐसे ही अपने दिल में अपने दुख को लेकर जिए जा रहा था। उसकी तकलीफों का कोई अंत नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छी कला थी। वो अपने हाथों से बहुत खूबसूरत टोकरी बनाता था। ऐसी टोकरियां आजू बाजू के 10-20 गांव में कोई भी नहीं बना पाता था। जब वो बाजार में अपनी टोकरियां बेचने के लिए जाता था, तब उसकी सारी टोकरियां तुरंत बिक जाती थी। बाकी सारे टोकरी वाले कानाई से बहुत जलते थे, क्योंकि उनकी तो बिकती नहीं थी। देख देख भाई, कुबड़े कन्हई का आज भी सारी टोकरी बिक गई। देख रहा हूँ अपनी ही किस्मत खराब है, सुबह से टोकरियाँ लेके बैठा हुआ हूँ, कोई ग्राहक आया ही नहीं। इसका कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा, इस तरह से चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। उसको एक दिन पकड़ के अच्छे से धुलाई करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है, इससे अच्छा इस बाजार में उसे अब बैठने ही नहीं देंगे, फिर लोग मजबूर होके हमसे ही टोकरियाँ खरीदेंगे, क्या बोलते हो? वाह बहुत अच्छी बात की है तुमने, बहुत अच्छी बात।
वो हर रोज हमारी आंखों के सामने से सारा सामान बेच के चला जाएगा और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे इधर। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको इस बाजार में फिर से घुसने ही नहीं देंगे। इसी वजह से कुबड़ा कानाई के रोजगार पर भी फर्क पड़ने लगा। उसे बाजार में कोई भी बैठने नहीं देता था। टोकरी बेच के वो जितना भी कमाई करता था वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। कनाई और क्या करता, वो अपनी बनाई हुई टोकरियों को लेकर अपने कमर पर लादकर बहुत दूर की एक गांव की ओर चल पड़ा, टोकरियों को बेचने की उम्मीद से। कनाई, किधर जा रहे हो? तुम्हारे कंधे पे तो देख रहा हूँ बहुत सारी टोकरियां है। भाई क्या तुम्हारी सारी टोकरी बिकी नहीं क्या? अब क्या बोलूं भाई, मुझे बाजार में बैठने ही नहीं दिया, भगा दिया। आ? भगा दिया? पर क्यों? मेरे बाजार में बैठने से उनकी टोकरियों को कोई नहीं खरीदता है, इसीलिए। तो फिर सही है, बहुत दिनों से टोकरी बेच रहे हो, अब तुम्हारे पीठ के उस कुबड़ को बेचने की कोशिश कर सकते हो, वो भी थोड़ा बहुत टोकरी की तरह ही दिखता है, क्या बोलते हो? हाँ चलता हूँ, बहुत अच्छा हुआ, अब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसी तरह हर हफ्ते कानाई दूसरे गांव के बाजार में जाके अपनी टोकरियां बेचता था, पर इससे उसे बहुत तकलीफ होती थी। अपनी पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ लेकर इतने दूर जाने में उसे बहुत दिक्कत होती थी, पर वो इन सारी तकलीफों को नजरअंदाज करके अपना काम लगन से करता रहता था। एक दिन टोकरी बेच के आने में कनाई को बहुत देर हो गई। शाम ढलती जा रही थी और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो अकेले पैदल चलकर जंगल में से गुजर रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था, उससे और चला नहीं जा रहा था। तभी उसे दूर एक खंडहर दिखाई दिया। लोगों का मानना था वो भूतों का घर है, वहां पे भूत रहते हैं। पर कुबड़ा कानाई अंधेरे में चलते चलते उस घर के बहुत नजदीक आ गया। नहीं, अब और नहीं होगा, बहुत कष्ट हो रहा है ना, अब और नहीं चल पाऊंगा, यहीं थोड़ा बैठ के आराम कर लेता हूँ। अरे ये तो वही भूतों वाला घर है ना? हाँ वही तो है, चलते चलते मैं यहाँ तक चला आया। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, शायद इसी में मेरी कोई भलाई हो। भलाई? मैं भी कैसी बातें सोच रहा हूँ। नहीं, ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं, वैसे भी चलते चलते थक गया हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा सो ही जाऊँ। अच्छा तो आ गए सब लोग, तो चलो अब शुरू करते हैं। क्या शुरू करोगे बताओ? गाना गाएंगे गाना, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि दिल खोल के गाना गाने का मन कर रहा है। अच्छा, आखिर ये खुशी किस बात पे हो रही है, जरा बताओ तो। वो तो पता नहीं, लेकिन खुश हूँ। अब बात करने में समय बर्बाद मत करो, चलो गाना शुरू करो। हाँ ठीक है, खुशी का कारण बाद में भी ढूंढने से चलेगा, तो अब शुरू किया जाए। एक दो तीन चार। नमक है, तेल है, इमली है, हींग है। नमक है, तेल है, इमली है, हींग है। नमक है, तेल है, इमली है, हींग है। नमक अद्भुत भूत है, कितना अच्छा गा रहे हैं। क्या भूत लोग का गाना इतना अच्छा होता है? आहा, सुनने में
गानों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके गानों में एक और लाइन जोड़ी जा सकती है। सिर्फ एक ही लाइन बार बार ये लोग गाए जा रहे हैं, फिर भी सुनने में अच्छा तो लग ही रहा है। अब जब तक मैं गाना नहीं गाऊंगा मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। नमक है तेल है, इमली है हींग है, नमक है तेल है, इमली है हींग है। हाँ, यही तो। नहीं, मेरे दिमाग में एक और लाइन आ रही है। अगर ये नई लाइन गाने में जोड़ दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। नमक है तेल है, इमली है हींग है, लहसुन है मिर्च है, लौंग है इलायची है, नमक है तेल है। सुनो तो, इसने तो हमारे अधूरे गाने को पूरा कर दिया है। चलो चलो जरा देखें तो, इतना अच्छा गाना गाने वाला है कौन? हम भी इसके साथ गाएंगे। चलो चलो चलो। सारे भूत कानाई का गाना सुनकर बहुत खुश हुए। वो सभी कानाई के सामने आकर खड़े हो गए, पर कानाई तभी भी आंखें मूंद कर मस्त मौला होकर गाना गा रहा था। सारे भूत उसके साथ गाना गाते गाते नाचने लगे। एक भूत ने तो कानाई के पीठ के बड़े कुबड़ पे अपना हाथ फेर दिया और उसके हाथ फेरते ही वो कुबड़ आकर जमीन पे गिरा। आप लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोगों का गाना सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसमें एक और नई लाइन जोड़ दी। मेरे अपराध को क्षमा कीजिएगा। अपराध किस बात का पागल? हमें तो तुम्हारा गाना सुन के बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपकी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। लेकिन 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 क्या कर रहे हो? नहीं मतलब मैं इस तरह से सीधा कैसे खड़ा हो गया? मैं तो कुबड़ के बाहर से हमेशा दबा ही रहता था। तेरे पीठ पे कुबड़ नहीं रहा अब। तेरे गाने से खुश होकर हम सब ने उसे हटा दिया है। देख 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 देख। हाँ, यही तो। मैं इस वक्त कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ आपको मैं बता नहीं सकता। मैं कैसे आप लोगों का धन्यवाद करूँ? तेरे कपड़े तो पुराने हो गए, अब तू एक नया इंसान है और अब तक तो कुबड़ा कनाई भी नहीं रहा, तो हम तेरे कपड़े भी बदल देते हैं। ये ले। अब तुम गांव वापस लौट जाओ, अब कोई तुम्हें चिढ़ाएगा नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। कानाई के गांव वाले सभी कानाई को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी की बोलती बंद हो गई। कानाई ने सभी से कहा कैसे भूतों ने आकर उसका कुबड़ सही कर दिया। कानाई की बात सुनकर गांव के सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। सब लोग अब उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन कानाई में कोई बदलाव नहीं आया। वो टोकरी बनाता था और सभी का भला करता था। कानाई और भूतों की कहानी आसपास के सारे गांव में फैल गई थी। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन गांव में कन्हई नाम का कोई है ना? वो कहाँ रहता है?
तुम मुझे बता सकते हो? वही जिसका कुबड़ापन भूत ने ठीक कर दिया। एक बार वो मंत्र मैं सीख जाऊं ना, तो मैं अपने गांव जाकर अपने नाती मानिक का कुबड़ापन भी ठीक कर सकती हूँ। मैं ही तो वो कनाई हूँ बूढ़ी माँ। भूतों ने मेरा ही तो कुबड़ हटाया था, लेकिन इसका कोई मंत्र तो नहीं था। भूत लोग तो रात में गाना गा रहे थे, मैं रास्ते पे लेटा हुआ उनका गाना सुन रहा था। उसके बाद मैंने उनके गाने में एक नई लाइन जोड़ दी, बस वो लोग खुश हो गए और मेरा कुबड़ हटा दिया, नए कपड़े भी दिए। बूढ़ी कानाई की सारी बातें सुनकर घर वापस चली जाती हैं और फिर उसी रात अपने पोते मानिक को उसी भूत बंगले के सामने के रास्ते में छुड़वा आती हैं। मानिक के पीठ पे भी कानाई के कुबड़ से भी बड़ा एक कुबड़ था, पर मानिक एक बहुत ही बदमाश लड़का था और वो सभी से जलता था। गांव के सारे लोग उससे परेशान थे। मानिक उस अंधेरे में बैठकर भूतों के गाने का इंतजार करता रहा और कुछ ही देर बाद गाने की आवाज सुनाई देने लगी। गुरुचरण के दुकान के रसगुल्ले हैं। इमली है। इतना बकवास गाना कौन गा रहा है? रसगुल्ला? वो खाना तो इंसान का है। सही कहा, मुझे भी उल्टी आ रही है। वो कौन है जिसने इतने गंदे शब्द का प्रयोग करके हमारे गाने का सत्यानाश कर दिया? चलो जाके देखते हैं। अच्छा, तो ये है वो बेसुरा गायक? हाँ हाँ, मैं ही हूँ वो। अगर आप मेरे कुम्बड़ा को ठीक कर देंगे। पीठ से लाएगा? हाँ, पीठ से लाएगा। एक तो तू चीख चीख के हमारे गाने का मजा खराब कर दिया और चाहता है कि हम पीठ से हला दे। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। मतलब आप ठीक कर देंगे ना उसे? आ, 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 ये क्या कर दिया आपने? ओ, ये और बड़ा हो गया। अब भूत लोग ने क्या कर दिया ये सब? जा जा बेटा जा, अब और बड़ा कुबड़ा लेके घूमता रहे। चल जा। लोगों को जाके बताना कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। हाँ। उसके गांव वाले उसे देखकर कहने लगे, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत अच्छा हुआ, इस बदमाश बच्चे को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए।